So hi my dear friends, welcome you all on your YouTube channel Paradise Classes. So dear friends, today in this video we are going to start our chapter 2 of class 9. The name of the chapter is the sound of music. So the sound of music हमारे जो chapter का नाम है इसका मतलब क्या है कि music की आवाज़, ठीक है, जो संगीत है उसकी धुन, ठीक है। इसमें हम दो ऐसे हमारे जो personalities हैं उनकी बात करेंगे, जो एक तो deep होती हैं, ठीक है, लड़की है जिसका नाम एवेलिन ग्लेने है, ठीक है, और दूसरी जो पार्ट है इसका हम उसमें पढ़ेंगे बिस्मिल्ला खान के बारे में, जो उस्ताद हमारे बिस्मिल्ला खान हैं, ठीक है। तो देखिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट फर्स्ट। एवेलिन ग्लेने लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। जो एवेलिन ग्लेने है वो क्या करते हैं कि साउंड को सुनती है बिना इसको सुने, मतलब जैसे हम साउंड जो म्यूज़िक होती है उसके साउंड को हम सुनते हैं, वो उसको फील करती है, वो उसको अपने जो इंटरनल पावर है उसकी उससे वो उसको महसूस करती है, उससे उसको सुनाई देता है कि अब कौन से वाले जो राइमिंग है वो कौन से वाले टोन है वो बज रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि भगवान ने यदि भी उससे उसकी जो हियरिंग है जो सुनने की पावर है वो ले ली है, लेकिन उसको कुछ ना कुछ है जो वो वापस उसको कुछ ना कुछ है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जरूर चीज़ें दी हैं। वुड वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो फील करती है, फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हमारे से भी ज़्यादा गहराई से, कि जितना हम भी इतना गहराई से उस चीज़ को जो सुन नहीं पाते हैं वो हमारे से भी ज़्यादा गहराई से उस चीज़ को फील कर लेती है। That is why she expresses music so beautifully. और यही रीज़न है कि वो म्यूज़िक को इतने अच्छे तरीके से उसका जो एक्सप्रेस करती है, इतने ब्यूटीफुल तरीके से उसको एक्सप्रेस करती है वो। रीड द फॉलोइंग अकाउंट्स ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी, कि जो फॉलोइंग हमारा जो जो अकाउंट है, फॉलोइंग जो हमारा जो चैप्टर है वो एक ऐसे ही पर्सन के बारे में दिया गया है जो अपनी फिजिकल जो डिसेबल होता है वो उससे फाइट करता है और उसके बाद वो अपनी जो लाइफ है उसको एक सक्सेसफुल स्टोरी कैसे बनाता है, दूसरों के लिए वो कैसे इंस्पिरेशन है जो वो बन करके हमारे सामने आता है। तो चलिए देखते हैं। रश आर क्राउड्स जोसल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, कि बहुत सारा जो क्राउड था, जो भीड़ भाड़ थी, वो एक दूसरे को धक्का मुक्की देते हुए ताकि वो अपनी पोजीशन बना सके, अपनी जगह बना सके। कहाँ पर ये बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी, कहाँ पर? ट्रेन प्लेटफॉर्म पर। अ स्लाइट गर्ल, एक दुबली पतली सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो अपनी 17 सालों से भी कम की नज़र आ रही थी, वो नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। वो बड़ी ज़्यादा नर्वस हो रही थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी, क्योंकि उसको क्या सुनाई दे रहा था, जैसे ही जो ट्रेन है वो उसके पास में आ रही थी तो उसके जो वाइब्रेशन होती है उस टाइम पर, ठीक है, तो वो उसको महसूस कर रही थी, उसको वो फील कर रही थी कि अभी वाइब्रेट हो रही है, ज़मीन हिल रही है थोड़े, जिस बेंचेस पर वो वहाँ बैठी हुई थी वो भी उसको थोड़ा है जब उसमें थोड़ा कंपन महसूस हो रही थी, इसलिए वो नर्वस हो रही थी। इट वॉज़ हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। ये उसका पहला दिन था कि वो इतनी जो प्रेस्टिजियस जो रॉयल अकेडमी है, इतनी जो फेमस रॉयल अकेडमी है उसका म्यूज़िक की, कहाँ पर? लंदन में। वो वहाँ पर जाने वाली थी, वो थोड़ा सा घबराई हुई थी, जैसे कि कोई भी जो टीनेजर होता है अपने जो फ्रेश जो अपना टाइम होता है, क्योंकि उसको म्यूज़िक के बारे में कुछ पता नहीं था, उसने कहीं से कोई म्यूज़िक की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, उसने कोई क्लास अटेंड नहीं की थी, तो इसलिए वो थोड़ा सा फ्रेटन थी, थोड़ा घबराई हुई थी, ठीक है। और कहाँ से जाती हूँ? अपने स्कॉटिश फार्म से। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, शी वॉज अ प्रोफाउंडली डीप। लेकिन ये जो हमारी जो एस्पायरिंग जो म्यूजिशियन थी, एस्पायरिंग मीन्स जो बनना चाहती थी, ठीक है, यानी जो हमारी म्यूजिशियन बनने की जो इच्छुक ये लड़की थी, इसने बहुत बड़े जो चैलेंजेस है वो फेस किए, जितना कि कोई और करता है उससे बहुत बड़े बड़े इसने चैलेंजेस फेस किए। क्यों किए? क्योंकि वो क्या थी? वो प्रोफाउंडली डीप थी, ठीक है, वो बहरी लड़की थी हमारी। एवेलिन ग्लेने's लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेटफुल। एवेलिन ग्लेने के जो लॉस ऑफ हियरिंग है, ठीक है, जो उसकी जो खोने की जो क्षमता है, सुनाई देने की जो क्षमता है, वो धीरे धीरे अब है जो खो रही थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग वेन द 8 ईयर्स ओल्ड एवेलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी मदर को याद है कि उसने कुछ नोटिस किया था, कुछ ना कुछ है जो कुछ गलत नोटिस किया था उसने, और क्या वो रॉन्ग था, उसको लगा था कि कुछ ना कुछ है जो मतलब सही नहीं है, ठीक नहीं है, जब उसने नोटिस किया कि जो 8 साल की जो बच्ची है, जो एवेलिन है, वो वेट कर रही थी पियानो के बजने का, जबकि जो पियानो है वो पहले ही बज रहा होगा, ठीक है। उसके बाद है, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। उन्होंने उसको उसके नाम से बुलाया लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिली। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हर्ड, और तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये नहीं सुन सकती, इसने कुछ भी नहीं सुना था। शी इज़ इज़ाबेल ग्लेने, इज़ाबेल ग्लेने ये बोलती है कि मुझे तभी रियलाइज़ हो गया था कि ये बिल्कुल भी सुन नहीं सकती है।
For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from her friends and teachers. और कुछ एक टाइम के लिए तो जो जो इवलिन है वो अपने जो डिफनेस है, अपने जो बहरापन है, वो अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर्स से उसको जो कंसील करने में, उसको छिपाने में वो कामयाब हो जाती है, उसको छिपा करके रखती है. बट बाई द टाइम शी वॉज 11 एंड हर मार्क्स हैड डिटेरेटिंग एंड हर हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू. लेकिन धीरे धीरे जैसे ही क्या हुआ कि उसके जो डिफनेस थी, जैसे ही वो 11 साल की हुई तो उसके जो डिफनेस थी, जो बहरापन था, उसको सभी ने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया. और जो उनकी हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने उनको पेरेंट्स को एडवाइस किया कि आप इसको लेकर कहाँ पर चले जाओ, स्पेशलिस्ट के पास में लेकर के चले जाओ. ठीक है. इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. और तब वहाँ पर ये डिस्कवर किया गया कि जो उनके जो हियरिंग पावर है वो क्या हो गई है, इम्पेयर्ड हो गई है, बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो गया है कि इनके धीरे धीरे जो इनके नर्व है वो डैमेज हो गई है और अब इनको सुनाई नहीं देता है. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. और उनको एडवाइस किया गया उनके पेरेंट्स को कि आपको क्या करना चाहिए कि हियरिंग एड आपने इसके लिए ले लेना चाहिए. एड का मतलब होता है कि जिसकी सहायता से हम सुन सकते हैं. ठीक है. हियरिंग एड यानी कि एक ऐसी मशीन होती है जिसको कान पे लगा करके हम है जो सुन सकते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है या कोई भी है हमें वो क्या कहना चाह रहा है. ठीक है. उससे हमारी जो हियरिंग की पावर है ना वो बढ़ जाती है, हम कोई भी बात सुन सकते हैं. ठीक है. उसको बोला जाता है, उनके पेरेंट्स को बोला जाता है कि आप इसके लिए कोई है जो हियरिंग एड ले लीजिए और उसके बाद इसको कोई स्पेशल स्कूल है या फिर जो डीफ का जो स्कूल है, डीफ और डम का स्कूल, आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो गूंगे बहरों का स्कूल होता है वहाँ पर इसको भेज दिया जाना चाहिए. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन. एवलिन को क्या लगता है कि मतलब जैसे वो बोलते हैं कि जो सब कुछ है वो बिल्कुल ही धुंधला धुंधला हो गया था, सब कुछ है जो काला पड़ गया था एकदम से, कुछ भी नहीं बचा था उनकी लाइफ में, बिल्कुल भी कोई होप नहीं बची हुई थी. बट इवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. लेकिन इवलिन थी वो किसी भी तरीके से जिसको है जो गिव अप नहीं करने वाली थी, वो हार नहीं मानने वाली थी. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. उसने क्या किया, उसने डिटरमाइंड कर लिया था कि उसको एक नॉर्मल लाइफ जीनी ही जीनी है. और उसने क्या किया, उसका जो एम था, जो गोल था, उसने क्या एम था कि उसका म्यूजिक में इंटरेस्ट था, उसने उसको परस्यू किया, उसको मतलब उसके पीछे वो लग गई. ठीक है. वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने क्या देखा कि एक जो लड़की थी वो xylophone को बजा रही थी और तब उसने क्या बोला कि मैं भी इस xylophone का जो बजाना चाहती हूँ. उसने अपनी जो डिज़ायर थी वो प्रकट की, ये अपना xylophone होता है हमारा. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. बहुत सारे टीचर्स थे जिन्होंने उसको डिस्करेज किया, उनको बोला कि नो यू कांट डू इट. ठीक है. आप इसको नहीं कर सकते हो बिकॉज यू आर डीप, क्योंकि आप बहरी हो. ठीक है. बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो हमें डीमोटिवेट कर देते हैं, हमें ये दिखाते हैं कि आप नहीं कर सकते हो, आप एबनॉर्मल चाइल्ड हो. ठीक है. तो इस तरीके से बहुत सारे टीचर्स ने उसको क्या किया, डिस्करेज किया. लेकिन एक परक्यूशनिस्ट था, यानी कि एक जो ड्रमिस्ट होता है हमारा, जो ड्रम को बजाने वाला था, जो म्यूजिशियन था हमारा रॉन फॉब्स, उसने उसकी पोटेंशियल को पहचाना, उसकी क्षमता को पहचाना और उसने उसका पूरा साथ दिया. ही बिगिन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. उसने क्या किया कि उसने जो दो ड्रम्स थे वो अलग अलग नोट्स में, अलग अलग धुन में उसने बजाने स्टार्ट कर दिए. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स. उसको बोलते कि अपने कानों से मत सुनो. ही वुड से, उसने उसको बोला, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. इसको सेंस करने की कोशिश करो, इसको समझने की कोशिश करो किसी दूसरे तरीके से. ठीक है. ये मत सोचो कि आप डीप हो, आप बहरी हो, आप सुन नहीं सकते, इसको सुनो मत, कानों से मत सुनो, बट इसको फील करो, इसको महसूस करो किसी दूसरे तरीके से. सेज इवलिन, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. और तब जो इवलिन है हमारी बोलती है कि उस टाइम पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जो अपनी वेस्ट से ऊपर है, अपनी कमर से ऊपर ऊपर है, जो एक ड्रम की जो धुन है, जो नोट्स है, उसको महसूस कर सकती हूँ. और जो दूसरा ड्रम है वो मेरी वेस्ट से नीचे है, जो वो मैं उसको महसूस कर रही थी. फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइजेज. और फोर्ब्स है वो इस एक्सरसाइज को, यानी कि ड्रम को जो बजाना था उसको, वो कंटिन्यू करता गया. एंड सून इवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस अ सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. और तभी इवलिन ने क्या देखा, उसने डिस्कवर किया कि वो अलग अलग जो नोट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट जो नोट्स हैं, जो धुन हैं, वो अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में उनको फील कर सकती है, उनको महसूस कर सकती है. आई हैड लर्नड टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन. द रेस्ट वॉज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. और उसने क्या सीखा वहाँ पर, कि उसने वहाँ पर सीखा, आई हैड लर्न, कि मैं सीख चुकी थी अब कि मैं अपने दिमागों को खुला रखूँ और अपनी जो बॉडी है उस पर इसके जो साउंड है, इसके जो वाइब्रेशन है, उसको महसूस करूँ. ठीक है.
और यही थी वो चीज़ जिसने उसको इतना डिटर्मिनेशन वो लेकर के आई उसके अंदर, उसने उसको ठीक है अपना जो उसने अपना जो लक्ष्य था वो और मजबूत कर लिया था और उसने क्या किया वर्क हार्ड करना शुरू कर दिया। She never looked back from that point onwards. और उसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16, she had decided to make music her life. और उस टाइम पर उसने क्या किया, उसने टॉर किया यूनाइटेड किंगडम में, एक जो यूथ ऑर्केस्ट्रा था उसने उसको ज्वाइन कर लिया और उस टाइम पर वो कितनी थी, वो 16 ईयर्स ओल्ड की थी, ठीक है 16 ईयर्स ओल्ड की, और उस टाइम पर उसने डिसाइड कर लिया कि जो म्यूज़िक है वो उसकी लाइफ है, ठीक है, यानी उसने म्यूज़िक को अपना सब कुछ मान लिया था। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. उसने ऑडिशन दिया अपना रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए और उसने जो वो स्कोर किया सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो अटेन करने वाली, सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो है लेने वाली, उसने जो एकेडमिक जो वो जो हिस्ट्री थी उसमें अपना जो रिकॉर्ड कायम कर दिया कि उसने सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए। She gradually moved from orchestral work to solo performance. और धीरे धीरे पहले उसने ऑर्केस्ट्रा का ज्वाइन किया, उसने एक ग्रुप को ज्वाइन किया जिसके साथ वो गाती बजाती थी और फिर धीरे धीरे उसने क्या किया, वो धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल वर्क से वो सोलो परफॉर्मेंस पे आ गई, यानी अब वो खुद से अकेले अपने आप को है जो वो गाना बजाना शुरू कर दिया उसने। एट द एंड ऑफ हर थ्री ईयर्स कोर्स, अपने जो है 3 सालों के कोर्स के बिल्कुल जब वो एंड पर पहुँच गई, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, तो उसने जो सबसे जो टॉप के अवार्ड्स थे वो उसने जीत लिए थे। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievements. If you work hard and know where you are going, you will get there. और अपने इन सब चीज़ों के लिए जो Evelyn थी वो किसी भी तरीके का जो heroic achievement था वो नहीं लेना चाहती थी। वो बोलते हैं कि अगर आप work hard करते हैं तो आप नहीं जानते हो कि आप कहाँ जा रहे हो, सिर्फ आपने work hard करना है और आपको आपकी मंजिल है जो वो मिल जाएगी, आप जो पाना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule. और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो सबसे टॉप पर नज़र आने लगी वर्ल्ड की, उन सब चीज़ों के ऊपर उसने जो कब्जा कर लिया था, जो multi-percussionist थी अब वो बन चुकी थी विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, उसकी मास्टरी हो चुकी थी, यानी कि जो इतने जो 1000 इंस्ट्रूमेंट्स थे उनकी अलग अलग नोट्स होते थे, उनकी अलग अलग राइम होती थी, वो अब उन सबको पहचानना शुरू कर दिया था उसने और वो एक ऐसी मल्टी टैलेंटेड यानी कि जो म्यूज़िक को पहचानने वाली जो सबसे मल्टी टैलेंटेड लड़की थी वो बन गई थी उस टाइम पर। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. और ये बड़ा ही intriguing था, ठीक है बड़ा ही curious था ये कि जो Evelyn के जो functions होते हैं उनको देखना बिना किसी efforts के, बिना किसी effortlessly without hearing, बिना उसको सुने बिना उसको देखे, ठीक है तो ये क्या था, बड़ा ही intriguing था बड़ा ही curious चीज़ थी। In our 2 hours discussion, she never missed a word. हमारे 2 घंटे की जो डिस्कशन हुई है उसने एक भी अपना जो वर्ड है वो मिस नहीं किया था। Man with bushy beard give me trouble. कि जो मैन होते हैं जिनके जो बियर्ड है वो bushy टाइप के होते हैं, यानी कि जो एक झाड़ी के जैसी होती है, वो मुझे बड़ा ट्रबल करते हैं, ठीक है। She laughed, वो इस बात पर हंसती है। It is नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ लिप्स को देख रही थी, इट इज़ द होल फेस, ये पूरा फेस था उनका, स्पेशली द आईज, उनकी आंखें। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, वो स्कॉटिश लैंग्वेज में कुछ है जो वो बोलती थी। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, मेरी स्पीच बिल्कुल ही क्लियर है क्योंकि मैं सुन सकती हूँ, क्योंकि मैं महसूस कर सकती हूँ उन चीज़ों को कब से, जब से मैं जो 11 साल की थी। शी सेज़, वो बोलती है, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापनीज, लेकिन ये मतलब बड़ा ही अजीब है हमारे लिए जानना, डजंट एक्सप्लेन, उसने इस चीज़ को एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन करना बड़ा ही मुश्किल है कि कैसे उसने अपने आप को जो मैनेज किया कि उसने फ्रेंच भी सीख ली और उसका जो जापनीज जो बेसिक जापनीज लैंग्वेज है वो भी उसको आती थी। As for music, she explains, it pours in through every parts of my body. और जहाँ तक म्यूज़िक की बात की जाए तो म्यूज़िक के बारे में वो बोलते हैं कि जो म्यूज़िक है वो उसके हर एक पार्ट्स में बसा हुआ है। It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hairs. वो बोलते हैं कि ये जो म्यूज़िक है वो कहाँ पर है, ठीक है, जो सिंगिंग सेंसेशन है, उस स्टिंगिंग सेंसेशन है, मतलब उसके जो म्यूज़िक है वो उसके हर एक बॉडी के पार्ट्स में बसा हुआ है, उसकी स्किन में बसा हुआ है, उसकी चिकबोन्स में है, एंड इवन इन माई हेयर्स, उसके हेयर्स में भी है।
When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingerprints. जैसे ही वो xylophone को बजाती है तो वो उसके जो sound है वो pass होती है उसकी fingerprints से, वो उसको महसूस कर सकती है. By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. और जैसे ही वो drum का जो leaning against the drum, जो drum को जो बजाते हैं तो उसकी जो resonance है, उसकी जो sound है वो flow करती है उसकी पूरी की पूरी body से. वो उसको महसूस कर सकती है कि drum से अब किस तरीके की जो note है वो बजाई जा रही है. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स. कि वहाँ पर जो वुडन का जो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पर वो अपने शूज़ को उतार देती है ताकि वो अपने बेयर फीट से, अपने नंगे पैरों से उसके जो वाइब्रेशन है उसको वो सुन सके, उसको महसूस कर सके और जो म्यूज़िक है उसकी पूरी की पूरी बॉडी पर पहुँच सके. नॉट सरप्राइजिंगली इवन एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस. कि इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि जो एवलिन है वो अपनी ऑडियंस को बड़ा ही खुश रखती थी, डिलाइट्स रखती थी. इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. की 1991 में उनको है जो शी वॉज प्रेजेंट विद द जो प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. कि जो रॉयल इस अवार्ड से उनको ये जो लिखा हुआ है शी वॉज प्रेजेंटेड, उनको प्रेजेंट किया गया, उनको दिया गया कौन सा अवार्ड, ये जो रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से उनको नवाजा गया. शी इज मास्टर प्रिक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड. जेम्स ब्लेड उनको बोलता है. प्रिक्यूशनिस्ट मीन्स जो मास्टर होता है, ड्रामिस्ट होते हैं, ठीक है. वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैड गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. कि भगवान ने उनसे उनकी जो सुनने की पावर है वो ले ली है, लेकिन भगवान ने उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ जरूर दी है. वट वी हियर, जो हम सुनते हैं, शी फील्स, वो उसको महसूस करती है. फॉर मोर डीपली देन ऑफ अस, कि उससे भी ज़्यादा गहरे से जितना कि हम कोई है जो वो नहीं सुन सकता, नहीं फील कर सकता. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली. और यही रीज़न है कि वो म्यूजिक को इतने ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्रेस करती है. Evelyn confesses that she is a something of a workaholic. I have just go to work often harder than classical musicians. कि जो Evelyn है वो इस चीज़ को जो confess करती है, इस चीज़ को बताती है कि किस तरीके से कि उसने है जो सी इज़ अ समथिंग ऑफ अ workaholic. समथिंग ऑफ workaholic मीन्स वो कुछ मतलब इस तरीके के इंसान हैं कि वो बताती है उसको कि उसने अपने जो अचीवमेंट्स हैं, अपने जो उसने जो एम्स हैं, जो गोल्स हैं, उनको पाने के लिए कितने सारे डिफ़िकल्टीज उनके सामने आई हैं. और वो क्या बोलती है, आई हैव जस्ट गो टू वर्क, मैंने सिर्फ काम किया है अपना, ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिकल. जितना कि जो क्लासिकल जो म्यूजिशियंस होते हैं हमारे, जितना वो मेहनत करते हैं उनसे ज़्यादा मेहनत की है इन्होंने. बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन जो रिवॉर्ड्स हैं वो एनॉर्मस हैं उनके लिए. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. कि वो रेगुलर कंसर्ट्स तो अपने देते ही थे, रेगुलर तो उनका जो प्रोग्राम था वो होता ही था. इसके साथ ही साथ जो वो फ्री अपने जो कंसर्ट्स थी वो कहाँ पर लगाती थी, वो प्रिजन्स में, ठीक है, जेलों में और कहाँ पर, हॉस्पिटल्स में. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस. वो इस चीज़ को प्रायोरिटी देती थी कि वो क्लासेस दिया करे किन को, जो यंग म्यूजिशियन थे, जो नए जो संगीतकार थे, जो उभरते हुए संगीतकार थे, उनको वो ट्रेन किया करती थी. एंड रिचलिन ऑफ द बीटोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, जो रिचलिन है वो कौन है, बीटोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन, बीटोवन, ठीक है, रिचलिन ऑफ द बीटोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज. जो डीफ चिल्ड्रन की जो एक जो फंड बनाया गया है, ठीक है, उसमें से जो रिचलिन है वो क्या बोलता है, She is a shining inspiration for deaf children. कि वो क्या है, एक shining inspiration, एक चमकता हुआ जो inspiration है वो किन के लिए, जो deaf children है, जो बहरे बच्चे हैं उनके लिए है वो. They see that there is nowhere that they can go, cannot go. और वो उनको बताते हैं कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जो वहाँ पर वो नहीं जा सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो वो नहीं कर सकते हैं. एवलिन ग्लेने हैड ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. की जो एवलिन ग्लेने हैं वो अपनी लाइफ में इतना कम्प्लीट कर चुके हैं जितने कि उनसे जो दुगने एज के जो पीपल हैं वो करते हैं. शी हैज़ ब्रॉट प्रक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग. वो क्या लेकर के आई, जो प्रक्यूशंस था अपने ऑर्केस्ट्रा के सामने, एक बड़ी ही मजबूती से वो आज खड़ी हुई थी, उसका नाम था, उसका फेम था, और उसने डेमोन्स्ट्रेट किया इन सब चीज़ों को. इट कैन बी वेरी मूविंग, कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मूविंग है जो म्यूज़िक है, हम इसको है जो एक दूसरे के थ्रू है जो पास कर सकते हैं, ठीक है. शी हैज़ गिवन इंस्परेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड. उसने उन लोगों को इंस्परेशन दी जो हैंडीकैप्ड थे, जो फिजिकली इम्पेयर्ड थे, ठीक है, डिसेबल थे.
पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग जो भी उनको देखते थे वो क्या कहते थे, इफ़ शी कैन डू इट, अगर वो ऐसा कर सकती है आई कैन, तो मैं भी उसको कर सकता हूँ. एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस. और ये नहीं कह सकते कि उसने बहुत सारे लोगों को है जो एनॉर्मस जो प्लेजर था, जो एक ऐसा प्लेजर था जिसकी कोई हद ही नहीं होती है, जो बड़ा ही सुखदायक होता है, तो ऐसा प्लेजर उसने मिलियंस ऑफ पीपल को दिया है. ठीक है, ये आपका जो चैप्टर है वो लिखा गया है डेबोरा कोवले के द्वारा. सो इट वॉज योर चैप्टर, होप सो इट इज़ क्लियर टू यू. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी क्वेरी रिगार्डिंग द चैप्टर देन यू कैन कमेंट बिलो द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.